स्वामी जी, एक चीज जो आजकल देखने के लिए मिल रही है वो है कि लोग अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखने लगे हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं रही जो पहले के लोगों में हुआ करती थी। या मैं अगर सीधे सीधे आपसे पूछूं तो चेहरे की रौनक के लिए या चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, इसके लिए क्या कोई उपाय है आपके पास? कुछ नहीं, बहुत मामूली सी चीज घर पे करनी है, थोड़ा टाइम देना है अपने आप को। कर आप घर पे ही लोगे, लेकिन अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा शहद लें और उसमें कुछ फ्रूट्स डाल दें, जैसे थोड़ा सा सेब डाल दें, अंगूर डाल दें, पपीता डाल सकते हो, जो भी आपको फ्रूट इजीली अवेलेबल हो, अनार डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ऐसे 3-4 तरह के फ्रूट बढ़िया बढ़िया जो आपको पसंद हो वो डाल के उसको थोड़ा सा मिक्सी में घोट लें, पेस्ट बना लें, और उसमें थोड़ा सा शहद, दोनों मिला के एक पूरा ऐसे पैक बना लें और उसको फेस पे अच्छी तरह से लगा लें, आँखों को छोड़ के या आँखों के करीब यहाँ तक रख के, यहाँ पर रख के पूरे फेस पे लगा के और आराम करें 15-20 मिनट तक। थोड़ा भगवान का जाप कर लेना या परमात्मा की इबादत कर लेना, तो 20 मिनट के बाद उसको साफ कर देना। धीरे 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 रोज करना है इसको। धीरे धीरे आपके चेहरे पर अपने आप ग्लो लौटने लग जाएगा, चेहरे पर रौनक बढ़ने लग जाएगी, चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी, लालिमा आ जाएगी, चेहरा खिल खिला उठेगा। मैं आपको नेचुरल चीज़ें बताता हूँ, कभी भी आपको केमिकल वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। लोग बाजार से इतने महंगे महंगे फेस पैक, मुंह धोने का पैक, ये धोने का पैक, पता नहीं कितने रुपए बर्बाद करते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर पे कर लेना, नेचुरल है, एक पैसा भी इसका नुकसान नहीं होगा, और चेहरा अंदर से चेहरा आपको दुआएं देगा कि मुझे क्या कर दिया, मैं तो बिल्कुल ऐसे खिलकर फूल की तरह बाहर आ गया हूँ, इतना फ़र्क पड़ेगा। और अपने आप सारी ये झुर्रियाँ वुर्रियाँ सब गायब होना शुरू हो जाएंगी, जो समय से पहले, समय पर सबने मर जाना है, समय पर सबने बुढ़े हो जाना है, समय पर सबके बाल सफ़ेद होंगे, अमर कोई नहीं हुआ, लेकिन समय से पहले किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने समय से पहले असमय होने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको फार्मूला बताया, और वो भी नेचुरल घर पर करने वाला। आप इसको रोज़ करो, आप 15 दिन रेगुलर करो, आप मुझे फ़ोन करके धन्यवाद ना करो तो मेरा नाम बदल देना।